हमारे जिले आदरणीय मिलियन साहब, एसपी साहब, हमारे साहब, हमारी ब्लॉक जी, उनकी बेटी खान जी, और यहाँ पर हमारी जो सारे लोगों ने आज अपना समय निकाला और समय निकाल कर हमारी इस छोटी सी कोशिश का हिस्सा बने, और साथ ही साथ जो यहाँ की जरूरत थी एक बिजनेस स्टेडियम, उस जरूरत को जब पूरा किया गया तो उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये देखिए जो मैंने छोटा सा सोचा था कि मिलन प्रेमी चाहिए यहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट करेंगे, वो कभी भी शासन और प्रशासन की सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। ये सारी सपोर्ट शासन से भी और प्रशासन से भी हमें लगातार हमारे स्थानीय अधिकारियों से, सारी हमारे परिषद से हमको लगातार मिली रही है, और खासतौर से जो हम लोगों को पिछले साल और सारी हमारी मैं विशेष जो है अनुभव एक बोलना चाहूँगा कि जो हमारी ब्लॉक प्रमुख है उन्होंने लास्ट हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया, और पिछले साल ही उन्होंने कहा था कि अगले साल आपको एक स्टेडियम मिल जाएगा, उसके अंदर आप अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, और वही हुआ। मंत्री जी ने ये बात कही थी कि आपको एक टूर्नामेंट मिलेगा, उसमें ही अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना मैदान मिलेगा, और वो दोनों ही चीजें संभव हो सकी, वरना बहुत कम देखने को मिलता है इतने शॉर्ट टाइम में आवाजें पूरे हो जाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये मिलन प्रीमियर लीग मेरी छोटी सी सोच है, ये सिर्फ मिलन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए है। हो सकता था इसका कोई भी नाम रखा जा सकता था, या इस इवेंट को उठा के बरेली या मिलन में भी किया जा सकता, रामपुर में भी किया जा सकता था, जहाँ पे जाया था बहुत कम मेहनत करनी पड़ती, मगर फिर से हमारी कोशिश यही है कि हमारे मिलन को देश में मिलन प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाए, पूरे देश के लोग इस मिलन में खेलने आए, इस लीग का हिस्सा बने, और आने वाले वक्त में यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए कि पूरे देश के खिलाड़ी चाहें कि हमें मिलन प्रीमियर लीग का हिस्सा बनना है, और इसके लिए हमें शासन और प्रशासन दोनों से ही रिक्वेस्ट है कि लगातार हमें इस तरीके से प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आप सभी लोगों का और सभी आदरणीय लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।